तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फिर से एक मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। गाइस, मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर मैं अपने सिस्टम में मल्टीपल क्रोम ब्राउजर को कैसे यूज करता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जब मैं एक ईमेल आईडी को लॉगिन करता हूँ तो हमेशा उसी ईमेल आईडी से मुझे काम करना पड़ता है, बट मैं चाहता हूँ कि वो भी ईमेल आईडी लॉगिन रहे, बार बार मुझे पासवर्ड को लॉगिन ना करना पड़े और मुझे बहुत ज्यादा बहुत सारा क्रोम ब्राउजर को यूज करना है एक बार में। कैसे यूज करते हैं आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप सबको, और कैसे आप मल्टीपल क्रोम ब्राउजर को एक साथ यूज करते हो अपने सिस्टम में, वो भी अलग अलग आईडी से, अलग अलग ईमेल से। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने स्क्रीन पर। मेरा नाम है और आप देख रहे हो एवन टेक्निकल सॉल्यूशन। गाइस चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर में। स्क्रीन तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर में, मतलब अपने लैपटॉप के ऊपर में। आई होप गाइस आपके पास भी लैपटॉप होगा तभी आप मल्टीपल क्रोम ब्राउजर यूज करना चाहते हैं सिस्टम में। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे अब आपको करना क्या है, अपने लिए एक जो आपके पास डिफॉल्ट क्रोम ब्राउजर है उसे डाउनलोड कर लेना है या उसे ओपन कर लेना है। चलिए हम अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। अब गाइस हमने अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा एक ईमेल आईडी से ये लॉगिन है। चलिए यूट्यूब ओपन करते हैं और यूट्यूब पे देखते हैं कि हमारा लॉगिन है या नहीं। तो गाइज फाइनली यहाँ पे आप देखते हो कि हमारा ये ईमेल आईडी से लॉगिन है। तो गाइज अब रही बात कि इससे मैं मल्टीपल क्रोम ब्राउजर को कैसे यूज करता हूँ, ये तो चलो ठीक है, एक क्रोम ब्राउजर ओपन हो चुका है और ये मैं यूज कर रहा हूँ। अब मुझे मल्टीपल क्रोम ब्राउजर यूज करना है तो कैसे यूज करता हूँ, तो फाइनली आप यहाँ पे आप देखते हो दो आइकन आपको देखने को मिल रहा होगा, एक आइकन जो आपके चैनल है उसका आइकन दिख रहा होगा, एक आइकन यहाँ पे ऊपर में भी देखने को मिल रहा है। इस आइकन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे गाइस यहाँ पे आप देखते हो मल्टीपल क्रोम ब्राउजर मैं यूज करता हूँ, तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे में चले जाना है। यहाँ पे एक गेस्ट और एक ऐड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जी हाँ, गेस्ट और ऐड। तो फाइनली आपको गेस्ट पे नहीं करना है क्योंकि जब इसमें लॉग इन करोगे आप तुरंत ये खत्म हो जाएगा, तो आपको ऐड के ऊपर में क्लिक करना है। जी हाँ, लास्ट में ऐड है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे एक नया क्रोम टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब आपको एक आइकन सिलेक्ट करना है, तो चलिए हम एक आइकन सिलेक्ट करते हैं जो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे एक नेम भी देने हैं, सपोज दैट कि आप चाहते हैं आपके पास कोई भी क्रोम ब्राउजर एक्टिव नहीं है तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने ए बी सी डी ई बना रखे हैं क्रोम ब्राउजर का। अब चलते हैं आपको सिखाने के लिए एफ क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने एफ एक नेम दे दिया। ठीक है, नेम में आप कुछ भी लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, फ्रेंड का नाम लिखते हैं, दोस्त नाम लिखते हैं, गर्लफ्रेंड का नाम लिखते हैं, जिसका चाहो यार उसका लिखते हो। मैं यहाँ पे एफ लिखता हूँ। ठीक है, बस यहाँ पे लिखना है, ये कंपलसरी है। ठीक है, अब आपको ये करने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं ऐड के ऊपर में। अब गाइस फिर से आपका एक नया क्रोम ब्राउजर ओपन हो चुका है। जी हाँ, अब यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट और ऑलरेडी क्रोम यूज साइन इन दो ऑप्शन मिलता है, बट आपको क्लिक करना है गेट स्टार्ट पे। किस पे? गेट स्टार्टेड, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा नेक्स्ट, स्किप, आपको स्किप कर देना है। क्या करना है? स्किप, फिर से आपको स्किप करना है और फिर से आपको स्किप करना है, मतलब हमेशा आपको स्किप करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको योर क्रोम एवरीवेयर ऐसा करके एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे आप देखते कंटिन्यू, नो थैंक्स ऐसा करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, बट आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे गाइज यहाँ पे अब आपको ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे अब आपको ईमेल आईडी डालने होंगे, जो आपका ईमेल आईडी पड़ा हुआ है उसे यहाँ पे आप डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक ईमेल आईडी को डाल लेते हैं। ठीक है, फटाफट। तो गाइज यहाँ पे हमने अपना ईमेल आईडी डाल दिया और इसे मैं प्रोसेस भी कर दिया हूँ। यहाँ पे आप देखते हो कि हमारा ईमेल आईडी यहाँ पे लिखा हुआ, पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड देते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमने पासवर्ड भी डाल दिया और वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे यस आई एम इन पे क्लिक करना है और आपका लॉगिन हो चुका है। तो गाइज यहाँ पे जैसे देखते हैं कि मेरा दोनों आइकन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, मतलब लॉगिन हो चुका हूँ। चलिए आपके ट्रस्ट के लिए, आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं यूट्यूब यहाँ भी ओपन करता हूँ। और तो गाइज यहाँ पे आप देखते हो जैसे कि मेरा ये ईमेल आईडी अभी हमने ऐड किया और ये ऑलरेडी पहले से था, तो ये दो और भी हम चाहें तो ओपन करते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले बहुत सारे ईमेल आईडी क्रिएट कर रखे हैं और बहुत सारे यूज भी कर रखे हैं। जैसे आप देखते हो ए बी सी डी करके हमने बहुत सारा क्रिएट कर रखा है, तो आप जो चाहो वो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए हम एक दो और ओपन कर लेते हैं फटाफट। चलिए हम
ए को भी ओपन कर लेते हैं और बी को भी ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से गाइज अलग अलग आईडी से, अलग अलग आईडी ये सारे हैं, सारे अलग अलग आईडी हैं। यहाँ पे भी मैं यूट्यूब सर्च कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मल्टीपल क्रोम ब्राउजर को आप कैसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा यूट्यूब ओपन हो रहा है। अब गाइज यहाँ पे आप देखते हो कि इसका आइकन कुछ और है, इसका आइकन कुछ और है, इसका आइकन कुछ और है, मतलब ये सारे अलग अलग ईमेल आईडी हैं और मैं एक ही लैपटॉप में मल्टीपल क्रोम यूज कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। और गाइज मैं आपको दिखा दूं कि मल्टीपल कैसे यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे ये सारे जो हैं अलग अलग आईडी से बने हुए हैं। तो इसी प्रकार से आपको प्रोसेस करना है और अपने लिए मल्टीपल क्रोम को यूज कर सकते हैं। अब मल्टीपल क्रोम का यूज कैसे करना है, क्या करना है, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो फिर आप मल्टीपल क्रोम को यूज करके बहुत लोगों से आप एक्सचेंज कर सकते हैं वॉच टाइम, बहुत लोगों के साथ में आप बहुत कुछ कर सकते हो, व्यूज उठा सकते हो अपने वीडियो पे। किसी और का आप वीडियो वॉच कर दो, आपका वीडियो कोई और वॉच कर देगा, इससे थोड़ा सा स्टार्टिंग में बूस्ट मिलती है और आप अच्छे खासे ग्रो हो जाओगे बहुत जल्द, ठीक है। तो गाइज इस प्रकार से आप अपने लिए क्रोम ब्राउजर को यूज कर सकते हो। तो गाइज आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो गाइज फाइनली इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाकी डाउट होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, वहां पे जाके आप मुझे डीएम कीजिए। तो गाइज इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, टेक केयर।